कक्षा 10 हिंदी अगला पाठ है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति मानव जीवनस्य संस्करणम् संस्कृति। मानव जीवन का मानव जीवन को संवारना संस्करणम् मानव जीवन को संवारना दोष आदि दूर करके उत्तम बनाना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नं अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान्तं प्रयत्नं अकुर्वन् बहुत प्रयत्न किया, बहुत उपाय किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणायान आचारान विचारान च दर्शयन्। उन्होंने या वे हमारे जीवन के संस्कार के लिए यान आचारान विचारान च अदर्शयन जिन आचरण और विचारों को दिखाया तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव। विश्व की रचना करने वाला एक ही ईश्वर है। इति भारतीय संस्कृति मूलम ऐसा भारतीय संस्कृति के मूल में है। विभिन्न मतावलंबिन विविधै नाम भी एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न अनेक मत को मानने वाले अनेक विचारों को मानने वाले विविधै नाम भी अनेक नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं। एक ही ईश्वर को भजते हैं अग्नि इंद्र कृष्ण करीमा रामा रहीमा जीना बुद्धा ख्रिस्ता अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते। उस ही ईश्वर को लोग गुरु ऐसा भी मानते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वह जो है गुरु है। अतः सर्वेषां मतानां संभाव सम्मानस्य अस्माकं संस्कृते संदेश। इसलिए सभी विचारों के प्रति समान भाव और सम्मान आदर अस्माकं संस्कृते संदेश हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृते तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सभी विचारों को मानने वाले लोगों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय
संस्कृतौ समाहिता। समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में सम्मिलित हुए। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति। यह संस्कृति सामूहिक और समुच्चयात्मक है। यस्य विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानाच योगदानं दृश्यते। और जिसके विकास में अनेक जातियों संप्रदायों और विश्व का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। इसलिए हमारे भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम् एकस्या संस्कृते सम्पासका। और हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के रहने वाले हैं, एक ही देश के रहने वाले हैं। यथा भ्रातर परस्परम मिलित्वा। एक ही राष्ट्र के राती हैं अर्थात एक ही देश के रहने वाले हैं। यथा भ्रातर परस्परम मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। जिस प्रकार भाई परस्परम मिलित्वा आपस में मिलकर सहयोग सौहार्द मित्रता से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि। उसी प्रकार हमें भी सहयोग और मित्रता के द्वारा देश की उन्नति करनी चाहिए। राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या, देश की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति हमेशा आगे बढ़ने वाली है। मानव जीवनम संस्कर्तुम। मानव जीवन को संवारने के लिए यह यथा समयम नवाम नवाम विचारधारा स्वीकृति। यथा समय उचित समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति। यहाँ अनुचित आग्रह नहीं है। यत् युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहसं गृहीतं भवति। जो उपाय उचित है और कल्याणकारी है च तदत्र सहसं गृहीतं भवति वह यहाँ प्रसन्नता के साथ ग्रहण की जाती है। एतस्या गतिशीलताया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के निरंतर सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित हैं। तत् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा। वह जिस प्रकार सत्य के प्रति प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव सभी प्राणियों के प्रति समान भाव। विचारेषु औदार्यम विचारों में उदारता आचार्य दृढ़ता चेति और आचरण में दृढ़ता है। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविशेषतम समा। मनुष्य को कर्म करते हुए श्रेष्ठ कर्म करते हुए उत्तम कर्म करते हुए जिजीविशेषतम समा 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इति अस्याः उद्घोषः। जो है इसका इसकी ऐसी घोषणा है, उद्घोष है।
पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमा, पहले कर्म और फिर बाद में फल जो है, ऐसा हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना अस्म, इस समय जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं, निरंतरम कर्म करना अस्माकं मुख्य कर्तव्य, निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यं, अपने श्रम का फल जो है भोगना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम्, और दूसरे के परिश्रम, दूसरे का परिश्रम जो का शोषण करना सर्वथा हमेशा त्यागने योग्य है। यदि वयम विपरीतम आचराम, यदि हम सब इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा वयम सत्यम भारतीय संस्कृते उपासका, तब जो है हम सभी सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थ भारतीय, हम सब तभी यथार्थ भारतीय हैं यदा अस्माकम आचारे विचारे, जब हमारे आचरण और विचार में अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, हमारी संस्कृति दिखाई देनी चाहिए। अभिलषामः, चाहते हैं वयम यत विश्वस्य अभ्युदयाय, हम सब विश्व की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति एस दिव्य संदेश, भारतीय संस्कृत के इस दिव्य संदेश, यह दिव्य भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरे, संसार में सब जगह फैले। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग सुखी होवें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी होवें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और कोई भी दुख का भागी न हो, अर्थात कोई संसार में कोई भी दुखी न हो। ऐसा इस प्रकार जो है हमारी इस भारतीय संस्कृति का जो है संदेश है कि विश्व के सभी लोग जो है सुखी हों, निरोगी हों, और सभी कल्याण को देखें और कोई दुख का भागी ना हो।